अब देखिए ना कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में खाली 15 एमपी सीट जीत पाए सपा और बीएसपी वाले, हम तो नहीं थे। आदरणीय राहुल गांधी हार गए, हम भी नहीं थे वहाँ पर। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? सपा के अखिलेश यादव के परिवार के 3 बड़े बड़े लोग हार गए, हम नहीं थे। तो फिर ये, और फिर बीजेपी अगर जीत रही है तो ये कभी ये नहीं कहते कि बीजेपी जीत रही है और ये लोग हार रहे हैं, तो जब हम आते हैं तो बोलते हैं मुस्लिमों डिवाइड होकर आ रहे हैं। भाई आपकी हार किसकी वजह से हो रही है, खुल के क्यों नहीं कहते? मुसलमान तो वोट दिया ना आपको पार्लियामेंट इलेक्शन में, डेटा है कि 75% मुस्लिम्स ने सपा को और बीएसपी को वोट दिया, 70% हिंदू भाइयों ने बीजेपी को मोदी को वोट दिया, ये नहीं कहते ये बात। बात हमको देखकर कहेंगे तो ये इनका एक हिपोक्रेसी है, ये अपॉर्चुनिज्म है जो अब नहीं चलने का। समझौता की कोई बात हुई है? अरे देखिए देखिए देखिए, हमसे कई लोगों ने कहा, हमने कहा कि ठीक है आप करा दीजिए, बात करा दीजिए हमसे, हम समझौता करेंगे या बातचीत करें तैयार हैं। मगर आप ये अगर कहेंगे कि नहीं चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो हम तो चुनाव लड़ेंगे, मगर आप बात करना चाहें तो हम तैयार हैं, बात तो करिए। पहल तो आपकी तरफ से भी हो। अरे अरे भाई, पहल के हम तो आपसे कह रहे हैं, मीडिया में कह चुके हैं, कई मर्तबा कह चुके हैं, तो हम तो कह रहे हैं। अब वो उनको, अब आपको उनसे पूछना चाहिए, आप उनसे पर्टिकुलरली पूछिए कि ओएसी ने कहा कि वो आपसे बातचीत करने तैयार हैं, आप क्यों नहीं करते बातचीत? पूछिए उनसे, पूछिए उनसे, आप स्पेसिफिकली पूछिए, हम तो कह रहे हैं हम तो तैयार हैं बात। तो लगता है कि आप उनके वोट बैंक पे डाका डाल रहे हैं। हाँ, उनको तो लगता है आप उनके वोट बैंक पे डाका डाल रहे हैं। अरे भाई, ये कोई चोर डाकू चोर सिपाही का खेल कब तक चलता रहेगा? 60 साल से तो आपको ही वोट मिल रहा है, आपने किया क्या बताइए ना? आपने तो इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री बन गए, नेता बन गए, आपने दिया क्या मुस्लिम माइनॉरिटीज को? क्या दिया आपने बताइए, सिवाय डर और खौफ के? अगर बीजेपी जीत रही है तो आपको अपना वोट नहीं मिल रहा है, आप उस वोट की फिक्र नहीं करेंगे ना, उस वोट के बारे में कहेंगे कि हमको हार मिल रही है हिंदू वोट की वजह से, और हमको कह रहे हैं कि आपकी वजह से डिवीजन कहाँ हो रहा है? आप तो बात ही नहीं करना चाह रहे, और आप ये पार्टीज कभी नहीं चाहेंगी कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी के एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है,